मैंगो आइसक्रीम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट से बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट, मुँह में घुलने वाली। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने दशहरी आम का ये आधा किलो पल्प लिया है, ये 100 ग्राम चीनी है, ये मिल्क, ये बड़े 2 चम्मच मिल्क पाउडर है, और ये 8-10 इलायची हैं। इलायची को मैं पीस लूँगी, ये फ्लेवर के लिए हैं, जिससे आइसक्रीम में और अच्छे से स्वाद बढ़ जाता है। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये 2 लीटर दूध की मैंने फ्रेश मलाई ली है, इसमें से क्रीम निकाले लेती हूँ पहले। ये मलाई में से क्रीम अच्छे से निकल चुकी है, एकदम फ्रेश। अब मैं इसी में ये आम के पल्प को डाले देती हूँ। अब चीनी और जो इलायची मैंने पीसी है उसे भी इसी में डाले देती हूँ। ये मिल्क पाउडर भी इसी में डाल दूँगी। अब मैं सबको पीस लेती हूँ। ये मैंने अच्छे से बहुत अच्छे से पीस लिया है। अब मैं इसको छाने लेती हूँ। मैंने एकदम से ये स्मूथ पीस लिया है और छान लिया है छल्ली में से, कि कोई आम का रेशा न रह जाए। अब मैं इसे एयर टाइट डब्बे में पलट देती हूँ। इसका एयर टाइट ढक्कन लगा के पूरी रात के लिए इसको फ्रीजर में रख देती हूँ। ये मैंने पूरी रात के लिए रख दिया है, और जो बच गया है मैंने वो दूसरे वाले डब्बे में करके रख दिया है। ये सुबह तक बहुत अच्छे से आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। आइसक्रीम सर्व करने के लिए तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम में बहुत कुछ ज़्यादा डालना नहीं पड़ता, मैंने बस चीनी डाली है, कुछ इलायची के दाने डाले हैं इसमें, और कुछ मिल्क पाउडर डाला है। बस उसी से ये बनके स्वादिष्ट मैंगो आइसक्रीम तैयार है।